आज की जो मीटिंग हुई कल आपने फिल्म प्रोड्यूसर्स के साथ किया, आज सीबीएसई के मेंबर्स के साथ किया, आपकी क्या बात की? क्या मुद्दे थे सर? देखिए, फिल्म सर्टिफिकेशन को हम बहुत सीरियसली लेते हैं। वो इसलिए कि एक इंडस्ट्री है, इससे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, पूरा देश जुड़ा हुआ है। देशवासियों को क्या देखना है, ये ना सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है फिल्में, किस तरह से वो प्रदर्शित होनी चाहिए, ये बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक मुद्दा है जिसको सही तरह समझना और उससे फिर सर्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आगे कई कदम सरकार उठाएगी ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, जैसे कि ऑनलाइन इसको करना। ऑनलाइन की प्रक्रिया में समय लगेगा, लेकिन हम उसको करने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही हो सकता है एक कोई ऐसी कोई स्टडी भी कराए जिसके अंदर एक सर्वे हो, लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, वो भी पता चले। इस तरह का सर्वे आज तक नहीं हुआ है। मनोवैज्ञानिकों से बात करने की जरूरत पड़ेगी, उनसे भी बात करेंगे। इसका हम एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, एकदम से नहीं बनेगा, लेकिन प्रक्रिया उस तरफ है कि इसको फुल प्रूफ बनाया जाए। इतना आप समझ लीजिए कि सरकार इसके अंदर इंटरफेयर करने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती है, इसीलिए हमने एक बोर्ड बनाया है और वो बोर्ड अपना काम बेहतरीन तरीके से कर पाए, यही हमारी इच्छा है। चेयरमैन शामिल नहीं हुए जो सीबीएसई के Look, the point is that a lot of you do not represent the news that is coming. Some of you have already decided what news you want to show. So let me make it very clear. Yesterday's discussion with the industry, I made it very clear, it is issue specific and not person specific. We are discussing ideas, suggestions and how to improve the process. And I said, and I made it very clear, the film certification process in itself is so robust that no one person can affect it. And I stand by my word today. Sir, what's your name, please? Sumit, is this an official meeting? Well, I told you before I went in. I'm speaking to you only because you've been standing here and you will very, very smartly edit out everything and use something that you want, which is very incorrect. It's absolutely unfair of all of you. I made it very clear to you, today's meeting is not an official I made it very clear, today's meeting is not an official meeting with the board. I'm here in Mumbai. There are a lot of people who come to meet me, that telephone me, and since the fact I am here, some of them walked in to call on me. Some of the board members haven't met me and I haven't met those board members. Sir, are the people in the board who are affected by Mr. Nailani's work or his ways of functioning? Are the members who are affected and are standing by the filmmakers in the past, which the kind of certification... No, I don't. Are you looking at meeting him or talking to him also, because he's a crucial, he's an important member of the board also, and since you met most of the producers yesterday and very few today, Let's go to the filmmakers now. Final words on this. What can you show to the filmmakers? I thought your final words were a couple of minutes ago. Thank you so much. शुरू हो जाओ। नमस्ते भारत। सर, सबसे पहले आज जो मीटिंग हुई है उसके क्या क्या मुद्दे आप लोगों ने उठाए और क्या रिस्पॉन्स रहा राज्यवर्धन जी? एक बड़ी छोटी सी बात मैं कहूंगा। पहली बात तो आज हम अधिकृत रूप से नहीं मिले, और दिस वॉज नॉट एन ऑफिशियल मीटिंग, क्योंकि श्री राज्यवर्धन जी आज मुंबई में थे
इत्तेफाक से कुछ मेंबर्स भी मुंबई में थे, हम लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि हम उनसे मिलना चाहेंगे और उन्होंने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। इसलिए मैं, मिहिर, अशोक और वाणी त्रिपाठी वे दिल्ली से आई, हम लोग आज उनसे मिले। एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने अतीत की बात नहीं की, हमने भविष्य की बात की कि फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का भविष्य क्या होगा और फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड का वर्तमान क्या है। इसलिए शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमने पिछली कोई बात नहीं की और नहीं उसको हम लोग सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने रखना चाहते हैं। चूंकि ये अधिकृत मीटिंग या ऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, बहुत जल्दी पूरा बोर्ड मिलेगा, नए सदस्य भी आएंगे, उसके बाद बहुत सारे जो प्रश्न जो लग रहे हैं कि नहीं सुलझ रहे हैं या अनसुलझे हैं उन पर विस्तार से बात। ये सही है कि काफी समय से आप लोग असंतुष्ट हैं और ये जो आंदोलन की शुरुआत है वो आप ही लोग दिल्ली में होता है, मुंबई में नहीं होता। ये जो बात है, जो एक नया पहल करने के प्रयास की बात करें, वो आप ही लोग ने शुरुआत की है, तीन लोगों ने, और आप लोगों के मन में कहीं असंतुष्ट थे जो पिछले एक डेढ़ महीने से घटना है, स्पेशली जब पहला निर्णय नहीं आए जब। ऐसा नहीं है, एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि हम लोग के मन में कोई असंतोष नहीं है। मैं औरों की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे मन में कोई असंतोष नहीं है। संवाद प्रारंभ करना होता है, पिछली बोर्ड मीटिंग में भी हम लोगों ने संवाद किया था और जाहिर है जो प्रश्न वर्षों तक अनसुलझे रहे हों वो एक दिन में या कुछ घंटों में नहीं सुलझ जाते और उसके बहुत बड़े परिणाम समाज पर हो सकते हैं। इसलिए ऐसा हम लोगों ने, ऐसा चेयरमैन ने भी माना कि जो मुद्दे हैं उन पर पहले तो बोर्ड में बहस हो, क्योंकि बोर्ड कुछ घंटों के लिए मिले थे, अधिकतर मेंबर मुंबई के बाहर से आए थे, अब उस पर बड़ी चर्चा हो। और दूसरा एक ये भी हम लोग मानते हैं कि ये सिर्फ बोर्ड में ही चर्चा क्यों हो, समाज के बड़े हिस्से के साथ भी जो बड़े मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए। आज उस पर बात हुई कि उसकी प्रक्रिया क्या हो सकती है, समाज के अलग अलग घटक तक, अलग अलग लोगों तक हम कैसे पहुंचे और सिनेमा के बारे में उनकी क्या राय है, क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें उन्हें आपत्ति है, जिन पर उनको आपत्ति लग सकती है, जिसमें हम असभ्य शब्दों को जिन्हें हम गालियां कहते हैं उस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इसलिए आज कोई निर्णय हुआ ऐसा मैं नहीं कहूंगा, हम उस निर्णय की बहुत जल्दी में हैं ऐसा भी मैं नहीं कहूंगा। हां, आज जो श्री राज्यवर्धन जी से बात हुई है उसमें हम सभी के सामने तीन बड़े मुद्दे थे। एक वो थी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, दूसरा था फ्रेंडलीनेस, कि जब फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिनिधि निर्माता बोर्ड के पास आए तो एक बड़ा ही मैत्री का वातावरण होना चाहिए और प्रोग्रेस, बोर्ड भविष्य की ओर देखे और प्रगतिशील दिखे, ऐसा नहीं लगे कि समाज पीछे की ओर जा रहा है। इन तीन मुद्दों पर जो यहां आज मौजूद थे उन लोगों ने बात की। अशोक, वी हैव वन क्वेश्चन, व्हाई वाज मिस्टर पहलाज सिन्हा की No, this is not. This was this not, not a board meeting. Official. This is not a board meeting. Ashoka, he was not there yesterday. Yeah. No, but he was not invited or called. I mean, either one of the party, either the minister, or, I mean, the office or the chairman himself should have the desire to meet each other. Ashoka, that was not properly shown. So are you trying to say that we didn't have a desire to come and? Today he did not have. He may have met the minister in Delhi. How do I know? Sir, ऐसा है कि मतलब बोर्ड के अंदर ही मतलब अलग अलग घटक बन गए कि लोग एक दूसरे के साथ में नहीं, ऐसा कहा जाए? मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि बोर्ड के सभी मेंबर एक दूसरे के साथ हैं। But we were told that Mr. Rajyavardhan ji, Mr. Nilani ji met, they will meet Mr. Nilani in Delhi separately. Why is that? Because it's a part of the team. So why is the team meeting separately? You see, I've been, you know, what Dr. Saab is saying and he's also saying, let us be very clear that today's meeting was basically very positive and with it's the, with the, with the, with the, because we wanted to meet Rajyavardhan ji also, and his animism and his modern thinking and modern outlook has proved today the way he has spoken yesterday in the meeting of the film ministry, and today when we met him, the basic thing which was discussed today with him was how do we modernize the CBFC, how do we call this CBFC, convert the CBFC from censor to certification, how do we come closer to the film industry, how do we do work in the modern techniques by using online methods. So the basic meeting, what we all three of
of us want to convey through you to the people is that, and to the industry which met Rajavardhan ji yesterday, is that we want to proceed further, and that the entire relationship between the film industry and the CBFC, how do we come closer to each other, that is what was discussed. Ways and means are being discussed. They are going to meet him again. The board is again going to meet, and how do we get away from the archaic laws of the CBFC and modernize the way our Prime Minister is thinking about modernizing the entire country. So that is the reason why we were also a part of this of this board. And luckily and fortunately, we all three are really very fortunate. The kind of response we got from the minister, we are all very enthusiastic. We are all very positive, and we know, and you will see the change. I am telling you, we all three are very openly telling you that we will see a change. The industry will see a change because we are part of the industry. We will see a change in the entire system of CBFC and how comfortable the film industry will be with the involvement of the entire board. So, my question to you is that the center board meets the minister today, and the film industry met him yesterday. Have the relationship between the center board and the film industry been fractured to such an extent that the IMD minister has to come here and do a meeting with the board members separately, with the industry separately, and still call it an unofficial meeting? Because only three of us were in Mumbai. Vani Tripathi came down from there in Mumbai, and this is not official meeting. Rest are all from other country. Secondly, I'll answer your filmmaking and I'll answer that. I mean, it has fractured such an extent that people are coming out. That's what I am answering. Please listen me out. Till now, there was a censor board. Till now, all these years, there was a censor board, was a monitoring body of the films. For the first time, censor board is evolving into certification body, a friendly body to the film industry. So what you call fracturing is actually the reconcilement. For the first time, that's happening.